पैरानॉइड रही, अभी आसमान चोरी हो गया ना, घूमते फिरोगे पर चारों तरफ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है आसमान पूरा ना, कोई पानी नहीं पूछता यार बड़ा यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो। अच्छा याद आया क्विक सिल्वर देख के कुछ? इस लड़के में इतनी फुर्ती है, कल हमें ये बीएनबी खाली करके जाना है। तुझमें एकदम पापा वाले ट्रेट्स हैं ऐसे, मतलब जनरल, इन जनरल पापा वाले ट्रेट्स में ये सारा यूरो छूट जाता है। कैश ज्यादा ले लिया, पता है तो यार कैश मत ले, क्या करो यहाँ पे। अभी बर्लिन में वो क्या बोल रहा था, कोई नहीं लेता है कार्ड। किसने बोला? नमन बोल रहा था ना कैश लेते हैं सब, बोल तो रहा था कि कार्ड नहीं लेता है कोई। नहीं, एवरी सिटी इज डिफरेंट ना, यूके में, हाँ यूके में स्पेशली लंदन। जैसा बीएनबी मिला था वैसे ही वापस करके जा रहे हैं। जैसा लिया था बीएनबी एग्जैक्टली वैसा, साफ सफाई। सो बस अभी निकल रहे हम, एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। 7-8 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला है ना। पता तो चला हल्का कल से थोड़ा सा तो लगता है यार, याद तो आती है। गौरव को कल बोल रहा था इंडिया की याद तो आती है, हमारे देश की याद आती है। नेक्स्ट टाइम जब हम लंदन आ रहे थे, क्या तुम रुकोगे यहाँ पे फिर से? जब तक रुक सकते खराब तो अच्छा रहेगा। साला ये मुझे वर्स्ट पार्ट लगता है, इधर इधर से इधर भारी भारी लगेज उठा उठा के चलो इधर उधर। हम ऑल स्कोर्ट करके जगह उधर रह रहे थे, बहुत सही जगह एकदम, मतलब सेंटर से पास भी और एकदम सेंटर पे भी नहीं है, थोड़ा 15-10 मिनट लगता है ऐसे पे कार्डली पहुंचने में। तो यूरो स्टार लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूरो स्टार लेकर हम जा रहे हैं लिल यूरोप, लिल यार आज यूरोप घुस रहे हैं, मतलब पेरिस से जा रहे हैं। पेरिस में सोचा बहुत भीड़ होगी तो लिल करके जगह, ठंड लग रही है जल्दी चलो। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी है? अरे नीचे उतारी थी, डाली नहीं। फाइनली वी आर टेकिंग यूरोस्टार टू यूरोप, लंदन ट्रिप ओवर। अभी यूरोप के अंदर बहुत सारे दिन, 20 दिन अप्रॉक्सिमेट। मुझे लग रहा है हमें वापस आना पड़ेगा। नहीं है, वो भी दिख नहीं रहा है। सो दिस इज द स्टेशन ऑफ लिल। इतना अच्छा पियानो बज रहा है भाई, ऐसा होता है वेलकम यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन में? वेलकम कैसे होता है? ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए, ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए। बहुत अच्छा बजा रहे भाई पीछे, छोटा सा शहर है, देखते हैं क्या है इधर। एक्चुअली पता है छोटा सा ऐसा कुछ भी ना तुम्हारा पूरा मूड बना देता, मैंने देखा। जैसे आई वॉज थिंकिंग कि ड्रॉप करके एम्स्टरडैम निकल लेते सीधा, पर अभी रुकेंगे। क्या मस्त आ रहा है, देख रहे हैं? ये देखो कितना सुंदर लग रहा है आसमान पूरा ना। पिछला व्लॉग जो डाला उसका हम टाइटल सोच रहे थे, डे इन यूके, मेट द फैमिली, और लास्ट डे इन यूके वी वेंट टू बाथ, अमेजिंग सिटी ऑफ बाथ। फिर अचानक से मेरे दिमाग ने बोला साथ में बाथ, मजा आ गया। You're going with this title now. It's a clickbait. Whole world is clickbaity. Clickbaity. Hey. मजा आ गया आज। बढ़िया है आज। आज का माहौल अच्छा है भाई। ये हो रहा 7 दिन यार मेरे को ना भाई, इधर देखो दीवारें रंग बिरंगी, साफ सुथरी, एक वो प्रेशर नहीं है कि आप यहाँ गंदा नहीं कर सकते। थोड़ा फैला दिया सामान, फेंक दिया वहां, हम पता रात को पूरा सफाई करके, अच्छी बात है करके भी आनी चाहिए। लाइक दिस इज हाउ यू शुड स्टे इन बीएनबी, यू शुड स्टे नॉर्मली ऑल्सो इन होटल ऑल्सो, बट यहाँ एक प्रेशर कम है, आपको लग रहा? किसी को मेरी जान पहचान का भी मामला इधर, भैया लॉक भी कर रहा है गोभी तो। गोभी सपोज तेरा पासपोर्ट चोरी नहीं हुआ, मेरा हो गया तो आप अपने आप आते रहना, मैं तो निकल लूंगा। हो गया ताला पाटा ऑल सेट। याद रखना जींस के बीच में रखा है, याद कैमरे पे छोड़ देना ताकि याद रहे, भूल जाऊं तो। चोर देख रहा होगा ये तो सीधे, चोर के पहले तो हम एक व्लॉग से डाल निकल लेंगे ना यहाँ से, और अगर बाद जर्मनी का चोर देख रहा होगा तो तब हम कहीं और रखेंगे, फिर हम फिर दोबारा कैमरे पे रखेंगे। फोर्ट पासपोर्ट तक ठीक है, वो जो लिप बाम था वो किधर है पहले वो खोज के दे मुझे, वो जैकेट में पड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो तेरे ख्याल से निकाल, अरे छोड़ो ना, अब निकाल लेंगे नीचे ले लेंगे एक नया। मेरे लिए मेरा लिप बाम मेरे पासपोर्ट जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बड़ा बोंजोर और मैसी चल रहा है तुम्हारा, बोंजो बोंजो बोंजो, बटन तो दबा दो, बोंजो कर रहे हो तू, बड़ा हीरो बन के बोंजो, सारी लड़की बोंजो फ्रेंच मेरा तो वही लंबे लंबे बोंजो। ये श्रेया बस एक दूसरा बंदा ले रहा था, वो देख करके ले आई है यहाँ पे जाके, कुछ आइडिया नहीं है क्या आने वाला है, स्वाद क्या है, क्या निकलने वाला है। चीज है कोई मोजरेला चीज, मोजरेला चीज है। अच्छा मैं सिर्फ एक इंस्टा स्टोरी के लिए लेकर आई। फ्रेंच लोगों का जो वो होता है, लाइक वेरी गुड बेकर्स, बहुत अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज और ब्रेड। सिटी सेंटर थे फिर हमने वहाँ से एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी, उधर आ गए। अभी समझ नहीं आता क्या कर रहे, छोटी सिटी है एक्चुअली। हमारा मेन रीजन ये था कि हमें एंट्री फ्रांस से करनी थी, तो हम इसलिए यहाँ से होके जा रहे हैं, बट हमने एक्चुअली दूर से ये वाली देखा और हम इधर आ गए।
अब इधर पता नहीं कुछ है भी कि नहीं है। श्रेया को बोला मुझे, श्रेया बहुत दूर से हिंदी लिखा दिखाई दिया कहीं से, अरे जल्दी जल्दी स्ट्रीट फूड इंडियन। अपने वाले बंदे पहुंच गए हर जगह, लिल में भी पहुंच गए श्रेया, देख रहे हो? एक तो जापानीज हर जगह सुशी ही सुशी भैया। हाँ भाई अगला वो है सुशी का, वो है अगला अगला कोहराम सुशी का दुनिया में। पीछे वो देख रहे हो, एक वेटर अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में दिखेगा, उससे इतना डर लग रहा था अभी दिख नहीं रहा है। श्रेया भी सोच समझ के बोल रही, क्या केचप मिल सकता है क्या प्लीज। है ना, जैसे हमारे वहाँ तो ऐसे देखो, जैसे बिल पहले पकड़ा जाते हैं ये लोग यहाँ, भले ही वो बाद में हो। व्हेन वेटर आके सर बताइए क्या खाएंगे, सबसे पहले एक तो यहाँ पर साला पानी नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता। तो पानी हम लोग अपना लेके आए हैं, यही वाला नहीं है जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये पीछे ये गंजा अमिताभ बच्चन, यही वही कसम से कोई पानी नहीं पूछता यार बड़ा यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो। भाई श्रेया दाओ का मुंह ही उतर गया यार, ऐसा क्या पानी अपना लेके तो आए यहाँ पे हम लोग। वी हैव गॉट हॉस्पिटैलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, हां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर मेन्यू में आपने ऑर्डर देने में टाइम ले लिया तो आपको ऐसी निगाह से देखेंगे, उठ के भग जाए ऐसे, समझ गए? नहीं हमारे भैया बताइए क्या अच्छा है, आप सजेस्ट कीजिए यहाँ पे, सजेस्ट कर अगर हम बोल दें तो चलो निकल जाए यहाँ पे। भाई किसी को गलती से मत बोल देना, आप बताइए आपके क्या अच्छा है, मेन्यू उठा और निकल यहाँ से बाहर, यहाँ का सबसे अच्छा यहाँ से बाहर निकालना। ये रहा लिल का सिटी सेंटर, सिटी सेंटर जस्ट लाइक एनी अदर सिटी सेंटर इन एनी अदर यूरोपियन सिटी, नहीं बट विद लेस पीपल। एक चीज नोटिस करिए, मतलब कोई भी जैसे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसके बाद कोई चखना ही नहीं लेता ड्रिंक, मतलब सिर्फ ड्रिंक। हाँ हमारे यहाँ तो भैया फ्रेंच फ्राइज भी दे दो, नाचोस भी दे दो लोडेड वाले। हाँ। और बाद में मेन कोर्स तो अलग आता है। हाँ। मेन कोर्स तो हमारे यहाँ मुझे लगता है खाने जाते हमारे लिए खाना जाता है और साथ में बियर, मतलब कभी चलो पी लेते। हाँ। पीना इज अ पीना, मतलब प्रॉपर है ना और ऐसे अगर हमारे यहाँ तो मेन कोर्स तब ऑर्डर होता है जब ऑलरेडी पेट भर चुका होता है। नहीं पर अच्छा है, छोटी सिटी एक दिन के लिए तो आ सकते हैं। नहीं तो लग रहा है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, रात के 8:30 बज रहे कहीं आप सोचो कि शाम का टाइम है 5-6 बजे का, नहीं रात के 8:30 है, आधी चीजें बंद हो चुकी है। आया और भाई शिव सच बताऊँ जो इसने करा ना उसके लिए इतने हेलमेट की जरूरत है नहीं, ये मोहल्ले के लड़के वो वाली हीरो जेट साइकिल नहीं आती उसमें कर देते, मेहनती है भाई। डैनी डैनी मैकस्किल देखा है, डैनी मैकस्किल देखा है, ये वाला अच्छा एरिया इनका। 8 बजे दुकानें, 7 बजे शायद दुकानें बंद हो जाती है। हाँ अगर हमारे इंडिया में ऐसे होता कि रात को 8:30 बजे तक रोशनी है तो दुकान तो किसी का बाप बंद नहीं करा सकता, अगर 1 बजे तक रात को रोशनी है तो 1 बजे तक भी दुकान तो खुली। तो बेसिकली जो सिटी सेंटर के आसपास वाले रेस्टोरेंट नहीं होते जो पुराने होते हैं, मतलब ऐसे इट्स नॉट अ ब्रांड बट वो सिटी सेंटर में ही है मेन, वहाँ पे खड़ूस मिलते हैं सारे। ए ई तेनगो क्या अच्छे उनका तो है, हमारा चले गई उठ और निकल यहाँ से बाहर, उनका एक्चुअली पता ना दोबारा कौन ही आएगा यहाँ। हमारे साथ ऐसा क्रूज में भी हुआ था वैसे, नहीं क्रूज वैसे जगह बहुत अच्छी है बट लोग थोड़े वैसे थे, मतलब जो सिटी सेंटर थे याद है, तो दे वर ओनली लुकिंग फॉर पीपल हु 9 यूरो को पानी चिपका दिया था भाई हमें वहां ब्रूज में लास्ट ईयर, उनको देख के उनको लगता है कि जो लोडेड है उन्हीं को अपने रेस्टोरेंट में आने दे। हां थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे हम जब ब्रूज गए थे, व्हिच इज लाइक अ वेरी द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वैसे, पता नहीं क्या मुंह उठा के चले गए। तो फिर जब जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है उस टाइम अंदर का डिफेंसिव मैकेनिज्म जागता है, क्या है ऑर्डर पानी 9 यूरो ला तू। भाइयों तो आज हम निकल रहे हैं लिल से, हम निकल रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज एम्स्टरडैम के लिए, क्योंकि एम्स्टरडैम में शो भी और अब शो की झड़ी लगने वाली है अगले एक हफ्ते तक, हल्का हल्का बारिश वाला मिजाज बन रहा है, थोड़ी फट रही है क्योंकि यहाँ से हमें बस स्टेशन तक पैदल ही जाना है, बस लेके निकल रहे हैं आज, सब ट्रांसपोर्ट हो गया भाई, फ्लाइट ट्रेन बस सब कुछ हो गया। श्रेया के नाश्ता करने मैं करा नहीं आज, बहुत हैवी हो रखा, मैं एक दिन का फास्ट लूंगा कुछ नहीं करूंगा। ये रहा हमारा रूम ओको होटल्स करके है लिल में, अगर आप कभी आओ पेरिस में भी आती है चेन है, बहुत अच्छा होटल। अगर रूम टूर दिया जाए तो ये एरिया एंट्रेंस, यहाँ से घुसे सीधा ये ऑब्वियसली द इम्पोर्टेंट एरिया, इसके बाद ये रहा कमरा, थोड़ा बड़ा कमरा जो रेगुलर होते हैं ना उनसे, ये अच्छा है यहाँ पे, बस कि बाथरूम का अलग वॉशरूम का अलग ताकि सेम टाइम पे दो बंदे अपना अपना निपटा के आ जाए। मैं इस चीज़ पता क्या लगी है, देख रहे हो क्या जाली जाली वाले वो लगा रखे हैं, फ़ोन देख लो क्या भाई, फ़ोन सबसे सुंदर चीज़ है यहाँ पे, देख ये है इसका, अरे मिल ना जाए कहीं, कितना प्यारा सा फ़ोन है लकड़ी का एकदम, ये रहा फ़ोन। एनीवेज ये रूम है अपना और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का। श्रेया याद आया क्विक सिल्वर देख के कुछ, इधर कितने सही से कलेक्शन है ना बोर्ड की, यही का श्रेया और मैं यही जॉब करते थे एक्चुअली, पहले लोग बोले कि पॉलन शाह का आया था तो बोल रहे थे वहाँ काम करते थे।
क्विक सिल्वर आया तो बोल रहे यहां काम, ये सब सेम ही ब्रांड में थे रिलायंस में। मैं क्विक सिल्वर में था ना, मैं तो स्टोर पे भी था क्विक सिल्वर के, कुर्ला वाले मुंबई का जो हेड ऑफिस है। तो हमारे बायर्स जब बाइंग करने जाते थे तो बोलते थे कि 5 बजे इनका ऑफिस खत्म होता था, हाँ, और ये लोग पूरा अपना सर्फ बोर्ड और ये सब लेके पूरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आते थे और सामने ही सी बीच थी, हाँ, मतलब 5 बजे खत्म होती सबके सब डुबकी लगा देते सर्फ बोर्ड ले लेके भाग जाते। इसी तरह से 5 साल में इंडिया में क्विक सिल्वर बंद भी हो गया क्योंकि सब सर्फिंग कर रहे थे। पर मेरा तो बहुत अच्छा लगता था, मेरे को तो बहुत सही ब्रांड लगता था, शॉर्ट्स पहन के जाते थे भाई हम ऑफिस, पता है किस किस स्टोर में था, उधर था ना अपना कुर्ला में था, फिर वसंत कुंज में भी था इसका स्टोर, तो क्विक सिल्वर देख के याद आ गया हमें एकदम झटके से। और यहाँ तो बोट्स, हमारे यहाँ तो बोट शॉर्ट्स हमारे एम एल कपड़े रखे होते थे और जो बोट्स होते थे वो लिमिटेड होते थे 4-5। यहाँ तो भाई स्केट बोर्ड तो अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लग रहा है मेरे को। गाइस दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग, आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून, नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर बस टू एम्स्टरडम। अब ये दवाई मिलते हैं भाई सब, सीधा अगला व्लॉग, अगले व्लॉग का नाम दूंगा थोड़ा ऊपर ऊपर व्लॉग, अगले व्लॉग का नाम दूंगा हाई व्लॉग।